मैं कलयुग पे क्या करने आ गया हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पर जब मुझे कहा गया तो लगा कि ठीक है, वैसे ही कलयुग के न्यूज़कास्टर हैं तो कलयुग पे बोल आते हैं। और मुझे लगता है कि कलयुग से बड़ा कोई क्यूट युग नहीं है, बहुत ही क्यूट एरा है हमारा। अब सतयुग तो हमने देखा नहीं, पर सुना है कि वहाँ हर चीज़ देवताओं के पास होती थी और उनसे असुर लोग झगड़ा करते रहते थे और अंत में देवता उनको मार काट के बराबर करके सब ले जाते थे, तो लोगों को कुछ मिलता जुलता नहीं था। पर इस कलयुग में मुझे लगता है कि कम से कम हम लोग आपस में मैनेज तो कर रहे हैं ना, बुरे को भी चुनते हैं, अच्छे को भी चुनते हैं, हम ही लोग मैनेज करते हैं। जब इतिहास शुरू हो रहा था तब हमारे पास कोई राजा नहीं था, हम ऐसे ही झुंड में घूम रहे थे। फिर हमने एक मुखिया चुना, फिर उसको अपग्रेड करके ज़मींदार बनाया, फिर उसको अपग्रेड करके राजा बनाया, फिर हमने एक डेमोक्रेट को चुना और डेमोक्रेट से कभी कभी काम नहीं चला तो डिक्टेटर को चुना और फिर बीच में आजकल डेमोक्टेटर है। डेमोक्टेटर वो होता है जो लगता है कि चुन के आ रहा है, हर चीज़ को ऐसे सेटअप कर देता है। जैसे हम बड़े भारी साहित्यकार हुए हैं, आप लोग सुनने आए हैं मुझे, तो डेमोक्रेटर आ गया है एक नया, तो चुनाव से चुना जाता है और बाद में जनता की वो ऐसी हालत कर देता है कि जनता को यकीन नहीं होता कि हमने इसको चुना है। इलेक्शन के बाद डेमोक्रेटर जो है वो तय करता अकेला कि अब आपको क्या क्या करना है, वो डिसाइड करता है नहाना कब है, खाना कब है और गिफ्ट में क्या क्या देना है, किताबें ना दें, फूल ना दें, तौलिया दें, रुमाल दें, तो ये सब एक नए तरह का एक सांस्कृतिक कार्यक्रम चलता है। और वो फिर जनता पे नज़र रखना शुरू करता है। ये कलयुग के कुछ बेस्ट पार्ट बता रहा हूँ। जैसे आपका पैदा हो जाना ही आपका होना नहीं है, मतलब पैन नंबर भी होना चाहिए आपके पास, GST नंबर भी होना चाहिए, आधार नंबर भी होना चाहिए, है ना, IP नंबर होना चाहिए, वोटर नंबर होना चाहिए, मोबाइल नंबर तो होगा ही होगा, भले कॉल ड्रॉप हो जाए लेकिन मोबाइल नंबर तो होगा ही होगा। और इन सब के बाद भी CCTV कैमरा पूरे शहर में लगा देते हैं। ये कलयुग का बेस्ट पार्ट है कि CCTV कैमरा लगाकर ये बताया जाता है कि अब आपकी सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है। फिर आप अचानक टेलीविजन पर देखते हैं कि दो आदमी हैं, वो अपने कंधे पर ATM मशीन लादे जा रहे हैं और नीचे लिखा था ये CCTV फुटेज है, तो समझ में नहीं आता कि जो CCTV हमारी सुरक्षा के लिए लगाया गया था वो फुटेज ये क्या है कि दो आदमी ATM कंधे पर लाद कर ले जा रहे हैं। तो ये है कि ऐसी क्यूट बातें जो हैं वो कलयुग में ही हो सकती हैं। एक और क्यूट बात है कलयुग में, क्या है कि अगर आप बेघर हैं, वाकई में गरीब हैं, तो आपको गरीबी का सर्टिफिकेट लेने के लिए तहसीलदार के पास जाना पड़ता है, पहले मुखिया से लिखवाना पड़ता है गांव में अगर आप हैं तो, अगर शहर में हैं तो पार्षद या प्रधान से लिखवाना पड़ता है, फिर वहाँ से वेरीफाई कराते कराते ये आय प्रमाण पत्र और वो प्रमाण पत्र जाते जाते आपको गरीब होने का प्रमाण पत्र मिलता है और तब जाकर आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की सुविधा मिलती है। लेकिन जब नेता अपने आप को गरीब बताता है तो पता है क्या क्या होता है, करोड़ों रुपए की रैली का आयोजन किया जाता है, फिर LED लगाया जाता है, फिर बहुत सारे पत्रकार बुलाए जाते हैं, उनका लाइव टेलीकास्ट होता है, फिर अच्छे अच्छे कपड़े सिलवाता है वो, कभी इस रैली में हरे रंग का, उस रैली में पीले रंग का पहन के, फिर हेलीकॉप्टर से आता है वो अपना गरीबी बताने के लिए, 50-60 लाख जो हो जाते हैं तो फिर गाने बजवाता है चारों तरफ, तू मेरा कर्मा, कर्मा का गाना हर रैली में बजता है कलयुग में, तो अचानक वहाँ पर आप खड़े हैं, जिंदाबाद करने गए हैं, तू ही मेरी जान है, तू मेरा सब कुछ, कर्मा का गाना सुनते सुनते आप ट्रांस में चले जाते हैं। जब आप ट्रांस में जाते हैं तो वहाँ एक और गाना बज रहा होता है, जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, तो आपको लगता है हम कहाँ आ गए हैं। तभी आपको दिखता है कि वो नेता जिसको अपने आप को गरीब प्रोजेक्ट करना है हेलीकॉप्टर से आ रहा होता है, ऊपर से हाथ वेव कर रहा होता है, हिला रहा होता है, तो वो जब उतरता है और फिर वो मंच पे जाता है तब जाके बोलता है कि मैं गरीब का बेटा हूँ। हिंदुस्तान की राजनीति में, पूरी दुनिया में इससे महंगा पॉवर्टी सर्टिफिकेट आपको कहीं नहीं मिलेगा, पूरी दुनिया में।
50-60 करोड़, उसमें कई सारे लेवल के संपादक बैठ के रो रहे होते हैं, गरीब का बेटा आ गया है, ये देखो गरीब का बेटा आया, यहाँ पर एलईडी स्क्रीन पर दिख रहा है, कितना अच्छा भाषण देता है, कपड़े देखो उसकी अच्छी है, कितना अच्छा है, तो ये सारा करके, ये सब क्यूट युग में ही हो सकता है, जिसे हम लोग कलयुग कहते हैं, और कहीं तो हो नहीं सकता है, क्योंकि इतना डेमोक्रेटिक स्पेस कहाँ मिलता है कि आप अमीर होने से, अंबानी जी अगर आज चाहें तो आप गरीब नहीं घोषित कर सकते हैं, लेकिन नेता अगर चाहे, भले ही सारा पैसा किसी और के पास हो, किसी उद्योगपति के पास, तो वो उसका छोटा सा परसेंटेज खर्च करके अपने आप को गरीब बता सकता है। मैंने अपने पूरे पॉलिटिकल जर्नलिज्म, छोटा सा हिस्सा है, उसमें एक भी नेता को नहीं देखा जो खुद को गरीब कहता हो, और सरकार ने गरीबों की मदद की जितनी भी योजनाएं बनाई है उसका कोई लाभार्थी हो, एक भी नेता नहीं दिखा मुझे, या वो उज्ज्वला योजना से गैस का कनेक्शन लेता हो, या वो इंदिरा आवास योजना से उसने मकान लिया हो, ऐसा नहीं, जो बड़े स्तर पर अपने आप को गरीब कहते हैं, ये हमको दिखा नहीं आज तक। तो ये जो है, अचानक उनको याद आता है, जब 15-16 साल तक वो राजनीति में रहते हैं, अचानक याद आता है कि ओह माय गॉड, मैं तो गरीब का बेटा था, माँ मैं गरीब का बेटा हूँ, मैं गरीब का बेटा हूँ, पूरा देश कहने लगता है हाँ ये गरीब का बेटा है, हाँ ये गरीब का बेटा है, बुलाओ जावेद साहब को, सलीम साहब को, एक गरीब का बेटा मिल गया, लिखे नया एक स्क्रिप्ट, गरीब का बेटा मिल गया है, चलो वोट दो, गरीब का बेटा मिल गया। ये कलयुग में हो सकता है, सतयुग में नहीं हो सकता। सतयुग में तो कोई गरीब ही नहीं दिखता था, तो सर्टिफिकेट की क्या जरूरत थी, भगवान जी आए, हम तो नहीं मालूम भगवान जी का क्या जरूरत है, नहीं जरूरत है, वो हमेशा अच्छे हैं, दूसरी की मदद कर देते हैं, कुछ गलत होता है तो असत्य पे हमेशा सत्य की विजय प्राप्त कर लेते हैं, हम लोग यहाँ पर असत्य पे विजय प्राप्त ही नहीं कर पाते हैं, चाहे आप जितनी कोशिश कर लीजिए, आप तो अब तो न्यूज़ करते करते एक भ्रम था कि ये शायद सत्य है, असत्य पे सत्य की विजय यहाँ प्राप्त होती है, अब तो वहीं से फेक न्यूज़ का की फैक्ट्री पैदा बनने लगी है। तो ये सब बैकग्राउंड आपको कलयुग का समझना बहुत ज़रूरी है, और एक खास तरह का बैकग्राउंड होना ज़रूरी है, तभी आप बैंकों से लोन ले सकते हैं, फिर NPA में बदल सकते हैं, और फिर गायब हो सकते हैं। सतयुग में तो पुष्पक विमान कुछ भगवानों के पास ही था, यहाँ बैंक डिफॉल्टर के पास भी है, वो जा सकता है, दूसरे देश में जा सकता है, तीसरे देश में जा सकता है। तो ये हम सबको एक चांस मिलता है, और अभी आप जो भारत में देख रहे हैं, जिसको कभी कभी लोग कलयुग में डिफाइन करते हैं, अजीब तरह का हो गया है, जो रियल कैरेक्टर है वो अपने आप अपनी रियलिटी से कन्फ्यूज्ड है, वो हिस्टोरिकल कैरेक्टर में मर्ज कर जाना चाहता है, जो हिस्टोरिकल कैरेक्टर है वो मिथिकल कैरेक्टर हो जाना चाहता है, फिर फिल्म बनाने लगता है। अब यहाँ भी एक सेना चल रही थी ठीक ठाक, जो सीमा पर होती है, जो गगन में हमारी सुरक्षा एयरफोर्स है, नौसेना है, अब उनको लगा भाई ये सेना तो ठीक है, भीतर की भी कोई एक सेना बना लेते हैं, तो वो सेना जो है उसका काम दूसरा है, वो पोस्टर फाड़ती है, सर फोड़ती है, आपको सेट जाके तोड़ देती है, इस तरह का सेट वेट। तो ये कलयुग का ही सीन है कि इतना लाइव आप देख सकते हैं कि हिंदुस्तान में आजकल आप पोस्टर फाड़ के आप हिस्टोरियन बन सकते हैं और सर फोड़ के देशभक्त, ये दो काम कर दें तो आपको कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। कहीं भी पोस्टर हो फाड़ दीजिए, आपके मोहल्ले का किसी का भी लगाओ फाड़ दीजिए, बोलिए गलत है, आपको तुरंत TV स्टूडियो में बुलाया जाएगा और कहा जाएगा ये हमारे मोहल्ले का हिस्टोरियन है, ये कह रहा है कि इसकी सेंटिमेंट हर्ट हो गई है, ये हिस्टोरियन है। और एंकर वो आ जाता है कोट पहन के, जो मैं पहना हुआ हूँ इतनी गर्मी में भी, और वो फिर वो आकर सबको बताता है कि हिस्ट्री ये डिसाइड करेगा, ये डिफाइन करेगा। तो ये कलयुग में ही हो सकता है, वो लोग जो पूरी जिंदगी यूनिवर्सिटी के की लाइब्रेरी में पढ़ते रहे हिस्टोरियन बनने के लिए, वो बेवकूफ़ थे, वो अगर अपने मोहल्ले में 10-12 पोस्टर फाड़ चुके होते तो दुनिया भी आज उनको जान रही होती, उनको TV स्टूडियो में कम से कम बुलाया जाता। मैं उतारता हूँ, इधर बहुत सारा सामान रखा हुआ है इसमें, क्या करूँ, दिल्ली मुझे नहीं मालूम था कि याद है, सुबह जब निकला तो आंधी चल रही थी। और एक और बात है कि कलयुग में बोलने का मौका मेरे जैसे लोगों को कलयुग में ही मिल सकता था, और तो कहीं चांस मिलता नहीं। यहाँ पर देखिए तो भाषणों की बाढ़ आई हुई, ये पूरा एक कंट्री में सेटअप है, जैसे ये भाषण दे रहे हैं, इसी वक्त देश में अलग अलग जगहों पे कई लोग भाषण दे रहे हैं, और पूरा चैनल पे तो भाषण ही चल रहा है, चारों तरफ न्यूज़ चैनल आप जब भी खोलिए तो कोई ना कोई भाषण दे रहा होता है, और कभी एक आदमी नहीं मिलता है तो 10 लोग आ जाते हैं, जब 10 लोग भाषण दे रहे होते हैं तो वो एक आदमी आ जाता है,
सारे 10 लोग चुप हो जाते हैं, फिर वो एक आदमी का एक घंटा भाषण चलता है, फिर उसके बाद वो 10 लोग बोलना शुरू कर देते हैं। तो ये भाषण जो है, और इतना सारा पांच पांच रैली में, देखिए नेताओं की खूबी देखिए कलयुग के, पांच पांच रैली में भाषण देते हैं लगातार, लौट के आगे कहते हैं मन की बात करेंगे। भाई साहब किस हार्ड डिस्क में आपने इतना बचा के रखा हुआ है मुझे बताइए, मैं तो मिलना चाहता हूँ आपसे। ये इतनी सारी बात जो सुबह से आप 10 रैलियों में बोल गए, ये मन की बात के लिए कौन सी बात बचा के रखी थी आपने, कहा मुझे आज तक पता नहीं चलता है। हफ्ते में 4 भाषण, 5 भाषण, उसके बाद भी मन की बात, वो वाली कौन सी बात थी, वो मन की बात नहीं थी। तो ये जो अंतर्विरोध का जो युग है ना, हमारी भी कोई गलती नहीं, हमें बोलने वाला नेता चाहिए था। कलयुग का यही बेस्ट पार्ट है, डिमांड कीजिए डिलीवरी होने वाली है, होम डिलीवरी के दौर में रह रहे हैं ना, आपने डिमांड किया हमें बोलने वाला नेता चाहिए तो मिल गया। अच्छा भाषण देते हैं, मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन मन की बात के लिए कैसे बचा लेते हैं, और वो बिल्कुल अलग टॉपिक होता है। तो ये खूबी है उनकी। और पहले के जमाने में देखिए, जब सतयुग में क्या होता था, प्री कलयुग एरा में, भाषण सुने अपना चले गए, अब नहीं रोक लिया जाएगा, वहां ही रुकिए, अमित शाह जी आने वाले, उनके साथ बैठ के चाय पे चर्चा करनी है। अब बताइए क्लासरूम में प्रिंसिपल आ जाए तो कोई चर्चा कर पाएगा क्या, पहाड़ा रटने लगा, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8 नहीं, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8 रटने लगेगा ना, भाग यार यहाँ से। तो अब आपको भाषण सुनने के बाद घेर के वहीं पर बैठाया जाता, मैं यहाँ बैठा हूँ चाय पी रहा हूँ, आप भी चाय पियो और चर्चा करो मेरे सामने। तो ऐसा चर्चा भी देखिए उसमें CCTV के कैमरे के दायरे में आ गई है, और ये सब हम लोग लाइव करते हैं कि 25 जगह पर लोग उतरे हुए हैं देवदूत की तरह, और लोगों को घेर के 15 लोग बैठे हुए हैं, फिर रेडियो से आकाशवाणी होती है, फिर चाय पे चर्चा हो रही है वहाँ पे। तो इससे क्यूट एज बताइए कब था, इतना शानदार, लोग रोते हुए मिलते हैं, रो क्यों रहे हो, इससे शानदार इंटरटेनिंग फनी टाइम कभी भी नहीं था। बेस्ट टाइम हम लोग हिंदुस्तान के दौर से गुजर रहे हैं, ये सिर्फ कलयुग में हो सकता था। सतयुग में तो सब था लेकिन माइक नहीं था, मैंने कभी देखा नहीं। हवाई जहाज की चर्चा सुनी है मैंने, प्लास्टिक सर्जरी की भी चर्चा सुनी है, पुल बनाने की भी चर्चा सुनी है, लेकिन माइक की चर्चा हमने नहीं सुनी। वो आकाशवाणी हो जाता था अपने से, वो कहीं ब्रेक हुआ होगा तभी हमने ये वेवलेंथ वाला कुछ डिसाइड किया। तो ये है कि जब मुझे कहा गया कि आपको टाइम्स लिट फेस्ट में कलयुग पे बोलना है, तो पहले मैंने मना कर दिया था, सच बात यह कि मैं क्या बोलूँगा कलयुग पे। फिर मैं तैयारी करने लगा, क्योंकि लगा कि ये एक चांस की बात है, अगर कलयुग पे मेरा भाषण हिट हो गया, सोच लीजिए आप लोग, अगर यहाँ का दिया हुआ भाषण अगर हिट हो गया तो मेरा आटा और बिस्कुट खूब बिकेगा। मैं सच बताता हूं, मैं दुनिया का पहला 0 TRP एंकर हूं, कुछ बिकी नहीं रहा है मेरा, 0 TRP एंकर दुनिया में आपको पहला मिलेगा। तो इसीलिए मैंने तैयारी की कि चलो रवीश आज तुम मेहनत कर लो, एक दिन एक भाषण की बात है, तुम्हारा आटा तेल कोई भी तेल पंसारी के दुकान से लेकर अपना नाम लगा देना और बिक जाएगा। फिर बाबा लोग धूप घी अगरबत्ती पहले से बेच भी रहे हैं, तो मेरा भी एडवर्ड निकलेगा, बोइंग से उतरूंगा मुंबई एयरपोर्ट पे, एक हाथ में कुकर होगा, दूसरे बगल में स्कूटर होगा, ऐड दे रहे होंगे, सरसों तेल भी मेरे नाम का होगा, अगले साल मैं स्पॉन्सर भी हो सकता हूँ। तो इसलिए मैंने बहुत चांस अपना लगाया, दिमाग लगाया कि कलयुग पे बोलना है, बेटर बी प्रिपेयर्ड, तो इसको लाइटली नहीं लेना है। तो मैं कमरे में बंद हो गया, तैयारी करना शुरू किया, और कलयुग को रोमांटिसाइज किया, फैंटिसाइज किया कि क्या हम इस एज में कलयुग की मार्केटिंग कर सकते हैं, क्योंकि जब से ये वेस्टर्न वाले आए हैं, अंग्रेजी शिक्षा आई है, उसने कलयुग को बहुत बैड लाइट में प्रेजेंट किया है। आजकल सारी हिस्ट्री राइटिंग इसी से शुरू हो रही है, रिविजन, कि वेस्टर्न आइडियोलॉजी ने हमें बैड लाइट में प्रेजेंट किया है हमारी कल्चर को, ये को। तो ये कलयुग हमारे कल्चर का, हमारा मैथमेटिक्स का, एज की जो काउंटिंग है उसका एक देन है। तो मैंने सोचा कि इसीलिए कलयुग पे एक तैयारी करनी जरूरी थी मेरे लिए भी। मेरा एक सपना है, ध्यान से सुनिएगा, आपका भी होगा, एक नहीं बहुत सारे मेरे सपने हैं। मैं बचपन से ही सैनिक बनना चाहता था, एक पायलट बनना चाहता था, जहाज देखा तो घबरा गया, भाई छोड़ो भाई ये नहीं होने वाला मुझसे। इसके अलावा टीचर, क्रिकेटर, डॉक्टर, इंजीनियर, मम्मी पापा दोस्त जिसको भी देखता था वैसा ही बनना चाहता था, आप लोग भी वैसा ही बनना चाहते थे।
इस तरह के डाइवर्स ड्रीम रखा कीजिए। जब भी आप नेता बनेंगे ना, जहां भी जाएंगे आप उससे मैच करा दीजिएगा। अरे बच्चों, मैं तुम्हारे बीच आया, मैं बचपन से ही बच्चा बनना चाहता था। यही हो सकता है सब कुछ। ऐसा जो भी सपना आज आप देख रहे हैं वो आपका कभी ना कभी देखा हुआ होना चाहिए, तभी आप लोगों से कनेक्ट कर पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों से कनेक्ट करना। आजकल लोग कहता है कि भाषण वैसा होना चाहिए कि लोगों से कनेक्ट हो जाए। तो आपने बहुत सारे जिंदगी में ड्रीम देखा होगा, इंजीनियर बनने का तो सबको दिखाई दिया जाता है। मैं बोल दूं मैं बचपन से इंजीनियर बनना चाहता हूं, यहां पर 100 लोग कह देंगे हाँ हाँ हम भी बनना चाहते थे, क्या हुआ तुम क्यों नहीं बने। तो ये बहुत जरूरी है कि कुछ बनने का सपना आप पहले से देख लीजिए, वरना लगेगा बिना कार्ड के ही शादी में आ गए हैं। नमस्कार। बहुत बुरी बुरी चीजें मैंने सुनी, लेकिन कलयुग जो है मुझे कभी बैड युग नहीं लगा। घोर कलयुग थोड़ा बैड लगता है, थोड़ा एक्सट्रीम हो जाता है, पर हम उससे भी एडजस्ट होने लगे हैं। अब हमारे जो न्यूज चैनल हैं ये हमारे ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव हैं कलयुग के। गीता में लिखा हुआ है क्रोध मत करो विवेक नष्ट हो जाता है। एंकरों ने समझ लिया, अरे अच्छा क्रोध करने से विवेक नष्ट हो जाता है, अब मैं चिल्लाऊंगा दिन रात बैठ के। तो वो गीता को प्रूव कर रहे हैं, हाँ गीता में तो सही लिखा हुआ है, जब मैं क्रोध करता हूं तो विवेक नष्ट हो जाता है, फैक्ट्स नष्ट हो जाते हैं, लॉजिक नष्ट हो जाते हैं। तो हम एक ऐसे दौर में आ गए हैं, नाम गीता का लेते हैं लेकिन जो लिखा है उसका उल्टा करने लगते हैं। तो अगर आप हमारे न्यूज एंकर नहीं होते तो बताइए इस कलयुग में क्या होता, मजा आता आपको? नहीं आता मजा। पत्रकारिता के नाम पे जो कुतर्क फैलाए जा रहे हैं और आपको लगता है, वो कहता है आपको कि लीथल, लाइट स्पीड, ये सब वर्ड यूज करता है कि आपको एम्पावर कर रहा है। दरअसल वो आपको एम्पावर नहीं कर रहा, वो आपको आपकी सिटीजनरी से, सिटीजनशिप से, आपके नागरिकता के बोध से अलग कर रहा है। आप सिर्फ एक नंबर वाले नागरिक हैं, आप राइट्स वाले नागरिक नहीं हैं, आपका कोई राइट नहीं है। ये डिवीजन बहुत साफ साफ, जैसे पेड़ की कटाई होती है ना, तो सारे तने जो है काट काट के उसको इस तरह से सीधा किया जा रहा था, ताकि सबको एक सफ में खड़ा होके, एक कतार में खड़ा होके गिना जा सके। तो ये हमारे न्यूज चैनल वाले कर रहे हैं। इतना गुस्सा है, ये जो हिस्टोरियन पड़ोस वाले होते हैं, तो मैं गूगल कर रहा था तो उसने लिखा था कि एक सर के 10 करोड़ मिलेंगे, दे देंगे। किसी ने कहा कि दीपिका का कोई सर काट के ले आएगा, 10 करोड़ दे देंगे। और वो टीवी पे चल रहा है, जिसने सर काटने की बात कही वो बाकायदा तलवार के साथ आ गया टीवी स्टूडियो में, बोला ये वो तलवार है, फिर वो कुछ सफाई वफाई दिए। तो मैं सोच रहा था कि अगर रावण जी होते तो कहते काटते रहो मेरा सर, जितना काटना है उतना, 200-400 करोड़ तो मैं यहीं कमा के चला जाऊंगा। वो जो 10 करोड़ काटने की जो बात हो रही थी, तो गूगल कर रहा था तो एक और मिला कि उसने किसी का सर काटने के लिए 10,000 दिया था, वो तब डीमोनेटाइजेशन के पहले का था। वो बोला था कि कोई सर काट के लाएगा तो 10,000 देंगे हम। तो भाई तुम फ्री में ही काट लेते। वैसे एक एमपी ने कहा कि जो हमारे नेता की आलोचना करेगा उसकी मैं जुबान और सर काट लूंगा, वो ज़्यादा था, वो पोस्ट डीमोनेटाइजेशन का था, उसके पास पैसे खत्म हो गए थे, तो उसने पैसे देने की बात नहीं कही, उसने कहा हम सीधा सर काट लेंगे और जुबान काट लेंगे। ये हमारे कलयुग जिसको हम डेमोक्रेटिक सेटअप में देखते हैं, उसको ठीक से देखिए कि हो क्या रहा है। आप एक सिटीजन के रूप में अपने बोलने और सोचने और अपनी बात को अलग अलग कलाओं के माध्यम में दर्शाने के लिए जब आप आगे आते हैं तो कितनी मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं, कितनी सेनाएं आ जाती हैं, कितने टेलीविजन एंकर आ जाते हैं और सब आपको घेर लेते हैं। जैसे आज की रात भारत की जो महान संस्कृति है वो अगर ना बचाई गई तो कुछ नहीं बचेगा। हम सब कब सुबह उठेंगे तो शायद कहीं हम चीन में ना उठ जाएं अचानक, हमारे अंदर से भारतीयता तो समाप्त हो गई, कल एंकर ने बचाया नहीं। तो ये ध्यान में रखिएगा कि हमारे ही समय में देखते देखते सर काटने की बात करने वालों को टीवी स्टूडियो में बिठाया गया। और ये जो मीडिया है, जो कलयुग का जो एक हासिल था डेमोक्रेटिक स्पेस, सब ने लड़कर अपने अपने, यही तो खूबी थी कि जब तक भगवान नहीं है सतयुग में तब तक हम लोग कुछ करते हैं, कोई जहाज बनाते हैं, कोई सिनेमा बनाते हैं, कोई कविता लिखते हैं, कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई पत्रकार बनता है। मीडिया जो है आपको भूसा में बदल रहा है।
धीरे 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 करके। तो ये इस स्पेस को देखिएगा कि वो एंटी कलयुग है, कलयुग बेस्ट चीज है, और लेकिन उसका जो मीडिया है आजकल वो आपके डेमोक्रेटिक स्पेस थिंकिंग बिहेवियर हर चीज को चेंज कर रहा है आपको। तभी आप किसी बोलने वाले को हवाई जहाज में मिलते हैं तो धक्का देके चले जाते हैं कि तुम बड़ा विरोध करते हो। बताइए, मैंने उसको नहीं बताया कि मैं कलयुग पे बोलने जा रहा हूं, पर तब मैं सोच रहा था, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। कुछ प्लस पॉइंट भी मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको बुरा ना लगे। हमें अक्सर लगता है कि जो जिंदगी है वो टेलीविजन से या नेताजी के भाषण से या उनकी चुनावी जीत से सब कुछ डिफाइन हो रहा है। ऐसा नहीं है, बहुत ही शानदार मुल्क में हम लोग रहते हैं। कोई भी मुल्क अपने लिए शानदार ही होता है दुनिया का। बहुत लोग अपनी अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से बिना टेलीविज़न के इंटरवेंशन के, बिना किसी नेता के इंटरवेंशन के उसको डिफाइन कर रहे हैं, ज़िंदगी को गढ़ रहे हैं, ज़िंदगी को नए नए मायने दे रहे हैं। इसी समय में ठीक है कि मीडिया आपको वहाँ तक नहीं जाने देता है ताकि आप ज़िंदगी की विविधता डाइवर्सिटी उससे जुड़कर अपनी कल्पनाओं को कोई और नया मुकाम नया रंग ना दे दें। हम सबको एक नंबर में बदलना है। देखिए नंबर क्या है, नंबर मतलब उस भीड़ का एक नया नाम है। कहा गया कि भीड़ और भेड़ नहीं बनना है, नंबर आपको भेड़ बनाने की प्रक्रिया है। सब चीज का नंबर, जिसको आपको लगता है कि हाँ हमारी सिक्योरिटी के लिए नंबर बहुत जरूरी है सरकार को, जिसमें आप विरोध नहीं करते हैं, सवाल नहीं करते हैं, सोचते नहीं हैं, कहीं भी एक आधार कार्ड लेके लोग घूम रहा होता है। तो ये जो हालत है इसको आप समझिए, यही नंबरिंग की प्रक्रिया टेलीविजन के जरिए की जा रही है कि आपकी डाइवर्सिटी खत्म करके एक नंबर इज इक्वल टू वन आइडियोलॉजी इज इक्वल टू वन नेता। बाकी सारे नेताओं का मजाक उड़ता है, बाकी सारी सवालों का सारे सवालों का मजाक उड़ता है। तो डेमोक्रेसी में एक तरह से ये नंबरिंग की एक प्रक्रिया चल रही है दूसरे तरीके से, और इसका नुकसान आपको दिखेगा, लेकिन फिर भी अच्छी बात यह है कि जिंदगी जो है नए नए तरह के देवता लोग लॉन्च हो जाते हैं आजकल, जैसे मैं बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जनता जो है वो पंचर कर देती है थोड़े थोड़े समय में। बहुत सारे नेताओं को जो दावा करते हैं कि वो देवता बन गए हैं, उनको लोगों ने पंचर किया है। तो हमें लोगों पर विश्वास करना चाहिए। एक ही चीज़ है कि हमारे आज के समय में कोई स्टैंडर्ड नहीं है। आप कोई भी स्टैंडर्ड बनाने का प्रयास करेंगे उसको ध्वस्त कर दिया जाएगा, उसको गिरा दिया जाएगा, तुरंत चले आएंगे, कहेंगे कि ये रोड शो हुआ है गलत हुआ है। तो कोई तवलीन सिंह बोलेंगे कि MS गिल को राज्यसभा कांग्रेस ने बनाया, तो ये रोड शो गलत हुआ है उससे क्या लेना देना है, ये गलत हुआ है सही हुआ इसकी बात बताओ, फिर उसके बाद में तुलना कर लेंगे। क्या आप कह रहे हैं कि दोनों सही हुआ है या आप कह रहे हैं दोनों गलत हुआ है? तो साफ साफ बोलो ये भी गलत हुआ है वो भी गलत हुआ है। तो ये इज इक्वल टू की थ्योरी हो रही है, ये भी नंबरिंग है। सबको एक जैसा बना दो, हर सवाल को एक जैसा बना दो। आप बोलो आज गर्मी लग रही है, हाँ तो 2014 के पहले भी गर्मी लगती थी। तो सबकी सारे सवाल सारे जवाब की एक नंबरिंग हो रही है, हर सवाल को एक ही पैटर्न में। आप कोई सवाल पूछिए, चार प्रवक्ता आ जाते, उस सवाल का जवाब नहीं देते हैं, वो बकना शुरू कर देते हैं, वो पूरा गूगल करके लेके आएंगे और वो बताएंगे देखिए 83 में उन्होंने ऐसा किया, 93 में उन्होंने ऐसा किया, 2017 में हम ऐसा कर रहे हैं। तो ये नंबरिंग है लॉजिक का, रीजन का, और क्वेश्चन का और आंसर का। कहीं कोई डाइवर्सिटी नहीं है, लेकिन फिर भी जनता पे आप भरोसा रखना चाहिए कि वो जानता है, जनता को पता है उसे जानती है वो, कि जो ये कलयुग है वो उसका युग है, वो डेमोक्रेटिक युग है कलयुग जिसको हम बोलते हैं। नहीं तो वो किसी सामंतों के नीचे दब रही होती, कुचली जा रही होती, किसी तानाशाह किसी राजा किसी बादशाह किसी अंग्रेजी हुकूमत के नीचे कुचली जा रही होती। तो उसने अपनी आवाज़ की जगह मांगी कि जो बातें देवता बोल सकते हैं, जो नैतिकताएं उनके हिस्से में है, उन नैतिकताओं को हम भी हासिल कर सकते हैं, उन बातों को हम भी छू के देख सकते हैं, उन मंजिलों तक हम भी पहुँच के देख सकते हैं। इसीलिए आप जब भी देखिएगा कि जब भी साइलेंस बहुत गहरा होता है, चुप्पी बहुत गहरी होती है, आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ बड़ी ना हो ये और बात। जस्टिस लोया की मौत की घटना के बारे में जब कैरवान ने रिपोर्टिंग, तो चुप्पी पसर गई चारों तरफ, लेकिन उसी में 10 वकील धरना दे रहे हैं लातूर में, 15 लोग आज़ाद मैदान मुंबई में बोल रहे हैं, कोई एक रिपोर्टर है जो उसको छाप रहा है लिख रहा है, वो स्पेस लेने की कोशिश कर रहा है। छोड़ दीजिए स्टोरी क्या है नहीं है,
वो जो साइलेंस है, डर है, उसके खिलाफ कोई ना कोई बोलने की कोशिश कर रहा है। तो हमारी फितरत है, डराने वाले के पास औजार बहुत हैं, लेकिन डरने वाला जानता है कि वो बहुत दिनों तक नहीं डर सकता, तो वो आवाज़ आने लगती है धीरे धीरे। कुछ लोग यही लिखने लगते हैं, बहुत सारे वेबसाइट जो नहीं रिपोर्टिंग कर सकते हैं तो वो यही लिखना शुरू कर दिए कि कौन कौन नहीं बोल रहा है। तो नहीं बोलने की पहचान भी बहुत दिलचस्प है। हमारे समय की घटना, एक बहुत शानदार घटना हो रही है कि हम खुद भी बोल नहीं पा रहे हैं, हमें हिम्मत नहीं है, लेकिन हम इसके साथ साथ इस बात की पहचान कर रहे हैं कि कौन कौन नहीं बोल रहा है। ये हमारे टाइम, और ये हम रिकॉर्ड कर रहे हैं अपनी स्मृतियों में जो शायद बाद में काम आएगा। ये हमारे समय की सबसे अच्छी खूबसूरती है कि हम अपनी चुप्पी को दर्ज कर रहे हैं। पता है हमको कि हम चुप हैं, हमने अपनी बुद्धि और विवेक अभी नहीं खोया है। और अगर बहुत डर का हो भी जाए तो क्या होगा? आप जरा तुलसीदास जी के ज़माने का को याद कीजिए, कबीर जी के ज़माने को याद कीजिए, मीरा हैं, सूरदास हैं, इन लोगों ने क्या किया? जब समाज में इतनी बंदिशें थीं तो वो अपनी रचनाओं के ज़रिए अपने लोगों को किसी दूसरे लोक में ले गए, और दूसरे लोक में ले गए, वहाँ पे उन्होंने जात पात धर्म सारी दीवारें तोड़ दी और आदमी की पहचान को अलग लेवल पे ले आकर वो उसकी व्याख्या करने लगते हैं कि हमें इनसे मुक्त होकर उस स्टेज तक जाना है। ये हमारे देश में बहुत पहले हो चुका था, ये हमारे देश में आज भी हो रहा है, किसी पारलौकिक दुनिया में ले जाना। अगर आप देखेंगे कि बहुत सारा अगर कंट्रोल है तो इसी दौर में ऐसी तैसी डेमोक्रेसी भी है। वरुण ग्रोवर हैं, प्रतीक सिन्हा हैं, ऑल्ट न्यूज़ वाले जो फेक न्यूज़ को एक्सपोज करते हैं, ध्रुव राठी हैं, प्रशांत भूषण हैं, परंजय दास ठाकुरता हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं? ये आपको उस डर की दीवार में को कुरेद रहे हैं, हल्का 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 कुरेद रहे हैं, और आपको दूसरे जो बात कबीर ने, तुलसीदास जी ने की, आपको एक पारलौकिक दुनिया में ले गए जहाँ एक आदर्श की स्थापना की जो आपको आज दिखता नहीं है। तो वो जब तक ये कल्पनाएं आपके भीतर, हमारे भीतर, इन कल्पनाओं के प्रति सम्मान बचा हुआ है, आप यकीन जानिए हमारे भीतर लोकतंत्र बचा रहेगा। जब तक आप रोमांटिसाइज कर रहे हैं, फैंटेसी में हैं, डेमोक्रेटिक हैं, अगर इस ट्रैफिक जाम में अगर आप फंस भी गए हैं तो आप अपनी कल्पनाओं से, आपको वो फितरत हासिल है मनुष्य होने के कारण कि आप समुंदर के उस पार अपनी कल्पनाओं में घूम सकते हैं। और मुंबई के इस स्टूडियो में तो ऐसे न जाने कितने गाने शूट हुए होंगे, है ना? तो हमें देखना चाहिए कि अगर आप हमसे हमारा लोक छीन लेंगे तो हम कहीं और अपना लोक रच लेंगे, किताबों में रच लेंगे, कविताओं से रच लेंगे, अपनी चुप्पियों से रच लेंगे, हम एक नई दुनिया रच लेंगे। हम सिर्फ इसी दुनिया के मोहताज नहीं हैं जो पुलिस से, जो इनकम टैक्स से, जो CBI से, जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से डिसाइड होती है। सिर्फ वही हमारी ज़िंदगी या हमारी दुनिया को परिभाषित नहीं कर सकते हैं ये लोग। इसलिए आज के दौर में जो भी इस लोक से लड़ रहा है, जो भी इस लोक में लड़ रहा है, वो ये कोशिश करता है, जो सोचता है कि हम इस जनता को विस्थापित करके, इसको नंबर से देके, इसका खाना पीना, इसका वोटिंग पैटर्न, हम हर चीज़ जान जाएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, वो देखिए वो एक खतरनाक आग में फंस रहा है वो। और कोई भी अंत में नहीं चाहेगा कि अपनी आज़ादी हम फिर से उस गुलामी की तरह जीना शुरू कर दें। और जैसे राजसमंद में अभी क्या हुआ, लोगों ने मारा उसको काटा, उसका वीडियो बनाया। अब दूसरा एक खेल हो रहा है, मारने वाले के प्रति सहानुभूति पैदा की जा रही है और उसके लिए चंदा जमा किया जा रहा है। ये सब आप सोचते हैं कि अलग अलग घटनाएं हैं, नहीं, अलग अलग घटनाएं नहीं हैं, ये सब लिंक हैं, टेलीविज़न से लेकर हर जगह तक लिंक हैं, जिसका परिणाम ये है कि आज आप ये कहना शुरू कर दिए हैं कि जिसने हत्या की है उसको चंदा दिया जाए। हमने जो कानून के राज के प्रति, जिस संविधान की यात्रा, जिस संविधान को लेकर हमने यात्रा शुरू की थी, उसी के खिलाफ हम जीने लगे हैं। क्या ये कभी हो सकता था? ये पता है ये क्या मान्यता दी जा रही है, ये हो क्या रहा है, आप समझिए।
जो मारना मारा गया उसका एक मजहब है, हमें जो देखने का नजरिया मिला, जो मारने वाला है उसका भी मजहब है। तो मारने वाले के लिए जिस मजहब से आते हैं, एक को मारने के लिए कितने हत्यारे बन गए? क्या आपको पता है कि आपके बीच में कौन सा आदमी पोटेंशियल हत्यारा बन के बैठा हुआ है? ये जो सांप्रदायिकता है, पहले क्या करती थी, पुराने पत्रकार लोग हैं यहां पे, कुमार केतकर साहब पूछिए, कि भीड़ की भीड़ लड़ती थी, नेता लड़ते थे। अब क्या हो रहा है, तो उसमें एक राजनीतिक दल एक सरकार पर आरोप आता था, आपके रहते ये हुआ, आपके रहते ये हुआ, आपकी पार्टी का नेता पकड़ा गया था। अब कोई पार्टी का नेता सीधा नहीं पकड़ा जाएगा। जो रात दिन टेलीविजन पे हम हिंदू मुस्लिम चला रहे हैं, वो किसी और को नहीं, आपके ही बच्चों को ह्यूमन बॉम्ब में बदल रहे हैं। जो मामूली सी लड़ाई पे आपका बच्चा जो स्कूल से लौट रहा है, कॉलेज से लौट रहा है, मामूली बात के झगड़े में दो दोस्तों के बीच हो जाती है, वो किसी की हत्या कर सकता है। तो जो मारा जा रहा है आप उसकी चिंता मत कीजिए, यही सिखा रहा है ना टीवी, उसकी चिंता मत कीजिए। इसकी चिंता क्या आप नहीं करना चाहेंगे कि जो मार रहा है वो कौन है, कौन लोग हैं वो? हत्या, हत्या की मानसिकता का समर्थन आप चाहते हैं, तो फिर नाश्ते के टेबल पर अपने बच्चों को हथियार भी दिखाया कीजिए। ये अंत कहां होगा? क्या हम सबको मार के साफ करना चाहते हैं? तो क्या हमने प्लान बना लिया है कि उसके लिए कितने हथियारों की जरूरत होगी और वो किन किन परिवारों से आएंगे? प्रदर्शन हो रहे हैं उसके समर्थन में, बताइए, प्रदर्शन हो रहे हैं और कोई बोल नहीं रहा है। क्यों हम इतना भी ये इस स्तर पर आ गए हैं कि हम इस गलत का भी विरोध नहीं कर सकते? क्या हम वाकई में एक आधार नंबर बन गए हैं? हम आदमी नहीं, अब एक नंबर हैं सिर्फ। उस राजनीति की बुनियाद कहां से आ रही है? इतना मसाला जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से 3 साल से आप देख रहे थे, कितना लाइटनिंग स्पीड से कितनी घटनाएं हो गई। अगर आप काउंट करना चाहते हैं तो मारे गए लोगों की संख्या 5-10 है, और मारने वालों की संख्या अगर आप भीड़ को भी जोड़ लें उसमें 5-10 उसको सपोर्ट करने वाले में, तो 100-200। और किसी की अभी साबित भी नहीं हुआ कि फलाने, पहले होता था कि फलाने पार्टी के नेता ने कोई बम का सप्लाई कर दिया, पैसे का सप्लाई किया, ये सब साबित नहीं होगा क्योंकि ये अब होता नहीं है। वो जहर से आपके बच्चे को ह्यूमन बॉम्ब में बदला जा रहा है, और अभी आपको लगता है कि आपकी रियलिटी से दूर किसी अलवर में, राजसमंद में, फरीदाबाद में ये घटना हो रही है। आप इंतज़ार कीजिए, पब्लिक स्कूलों में भी ये चीज़ें होने लगेंगी, बच्चे एक दूसरे को मजहब के नाम पर बोलने टोकने लगे हैं। तो हम पोटेंशियल अपने ही बच्चे को ह्यूमन बॉम्ब में बदल रहे हैं। तो अगर आपको किसी वैचारिक कारण से, राजनीतिक कारण से मारे जाने वालों के प्रति कोई हमदर्दी नहीं है, तो कम से कम अपने प्रति तो आपकी हमदर्दी होनी चाहिए ना। क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं कि अपने बच्चों को आप हत्यारा बना देंगे? बताइए ना, तैयार हैं आप? तो फिर क्या देख रहे हैं आप टेलीविजन में 24 घंटा हिंदू मुस्लिम के नाम पे? क्या पागल हो जाने की हद तक आप देखेंगे? क्या तलवार बंदूक लेकर मारना शुरू करेंगे अपने ही नागरिकों के इसके नाम पे? ये तर्क कहां जाएगा कि कोई कहता है कि हम दीपिका का सर काट लेंगे, वो टीवी में बुलाया जाता है, और उसके बहाने लोग हिस्ट्री की राइटिंग, री राइटिंग पर डिबेट कर रहे हैं। आपको, आपके संवेदनशीलता को नंबर में बदला जा रहा है। तो अगर आपको कलयुग से प्यार है तो इस नंबर में बदलने से प्यार मत कीजिए, आप नंबर मत बनिए। कलयुग की यही खूबी है कि हर आदमी एक डिफरेंट क्रिएचर है। जो लोग इस व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं उनका यही इरादा है कि आपको एक नंबर में बदल दिया जाए। उपाय मैं बताता हूं, आप अपने बच्चों में कल्पनाएं पैदा कीजिए, फैंटेसी पैदा कीजिए,
खुद के भीतर भी फैंटेसी पैदा की। आप महसूस करेंगे कि कितने दिनों से आपने फैंटेसाइज नहीं किया। 24 घंटा ट्विटर, व्हाट्सएप और ये टेलीविजन के चार बंदर आपको पागल बना रहे हैं। ये गोदी मीडिया जो है, ऐसे नहीं कहता हूं मैं, कोई पागल नहीं हो गया हूं, अंदर से देखा है इस सिस्टम को, ये कितना खतरनाक हो रहा है। आपको एक सूचना विहीन इंफॉर्मेशन के मीडियम जो है वो आपके पास खूब है, मेरे पास भी आईफोन है, उसमें ट्विटर है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, पॉडकास्ट है, मीडियम बहुत है, इंफॉर्मेशन एक ही तरह का है। तो जो इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है इलेक्शन से लेकर हर चीज का, वो दरअसल एक नंबर है। वो सब चीज को एक नंबर में रिड्यूस किया जा रहा है जहां आप ह्यूमन ना रहें। ये है एंटी कलयुग। तो अगर आप कलयुग को बचाना चाहते हैं, जिसकी इतनी खूबसूरती है कि जहाज भी आपके पास होगा, प्लास्टिक सर्जरी आप ही कर सकते हैं, आशीर्वाद देने से नहीं होगा, तो वो करामात आप हासिल कर सकते हैं आज की दुनिया में, तो इस कलयुग को बचाइए। ये कुछ और नहीं, ये लोकतंत्र है, जहां लोग अपनी प्रमुखता सबसे ऊपर रखते हैं। तो बच्चों में फैंटेसी पैदा कीजिए, वो जहर से बच जाएंगे, ख्वाब देखने लगेंगे, मोहब्बत करने लगेंगे, दीपिका से भी मोहब्बत करने लगेंगे, अच्छी अदाकारा हैं, और उसकी सर की कसम खाने लगेंगे। ये एक फायदा होगा, काटने की जगह वो कहेंगे कि मैं दीपिका के खूबसूरत सर की कसम खाकर कहता हूं कि तुम दीपिका से भी सुंदर हो। क्या किया हमने, हरा दिया उस नायिका को जिसका सर काटने की बात हो रही थी, जिसकी फिल्मों के लिए हम गए, आहें भरकर लौटे, उसकी अदाकारी की तारीफें की। क्या किया, क्या हासिल क्या हो रहा है उसके बदले में आपको? एक्सप्रेसवे की चिंता मत कीजिए, ठेकेदारों का अपना इंतजाम है, कोई मंत्री नहीं रहेगा तब भी एक्सप्रेसवे बन जाएगा आपके घर के ऊपर से, और वो वहां भी बन रहा है जहां उसकी जरूरत नहीं है। और हम टीवी देख रहे थे, उस पर डिबेट, जिस एंकर को सड़क पे चाय पीने नहीं गया होगा बहुत दिनों से, वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि इसके लिए इंडिया एक नंबर है, एक नेता है, एक आइडियोलॉजी है, एक पॉलिटिक्स है। समझिए ना इस बात को, मैं आपके बच्चों के लिए कह रहा हूं, और मुझे आप पर भी भरोसा नहीं कि आप भी आधे ह्यूमन बॉम्ब में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। कब कहां बस में, ट्रेन में फटेंगे किसी गुस्से में, गर्मी इतनी है गुस्सा आ जाएगा, और लड़ने वाले का मजहब पता चलेगा, आप और वायलेंट होकर उसको मार आएंगे। मर तो वो जाएगा, हत्यारा तो आप बनेंगे ना। चंदा जमा हो रहा है इस देश में, कहां तक गिरना है, तो इसको कोर्स में पढ़ाया जाए क्या, ये हिंदू मुस्लिम को क्या किया जाए इसके बारे में? हम लोग तो लिख के बोल के पीढ़ियों से लोग थक गए, कब तक ढोना है इसको? सर काटने पे बहस हो रही, तो वो तलवार चमका रहा था, तो खैर। तो मेरा यही कहना है कि बच्चों को फैंटेसी सिखाइए, उनको कल्पनाओं की दुनिया में ले जाइए। इस देश में अभी भी टीवी और इन सारी दुनिया पॉलिटिक्स के बाहर एक चीज है, लेकिन राजनीति से उन्हें भगाइए मत, उन्हें राजनीति का सामना करना सिखाइए तर्कों से, भावनाओं से नहीं। बस हम इस कलयुग को ठीक से समझ लें, इस खेल को समझ लें। दोस्तों, ये प्यार करने का युग है, फिर से मोहब्बतों का कोई सिलसिला शुरू करो। मेरे यारों, कोई गीत ऐसा गाओ, कोई सीन ऐसा रचो कि हम किसी को छूते ही, या हमें कोई छूते ही किसी दूसरे लोक में चला जाए, किसी दूसरे शहर में चला जाए, दौड़ने लगे, भागने लगे, एक दूसरे से लिपट जाए, गाने लगे प्यार का कोई नगमा। शुक्रिया मुंबई, आपने मुझे सुना, मैंने आपको सुनाया। थैंक यू। Check. So everybody, it's time for a short Q&A. You can shoot your questions from there and sir will definitely be answering.
Yes, please. Go ahead. आपके विचारों से हमें काफ़ी प्रेरणा मिली है साहब जी, और हम चाहते हैं कि आगे हम क्या करें, क्योंकि आप जो कहते हैं कि जिस आदमी की आलोचना हो रही है वो आदमी आज गुजरात में जीत रहा है, एक तरफ जनता उसको समर्थन दे रही है, दूसरी तरफ हम जैसे लोग ताली भी बजा रहे हैं, आखिर ये सब हो क्या रहा है, मेरे समझ में नहीं आता है। एक तरफ हम चाहते हैं कि ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और दूसरी तरफ वही जो शक्तियाँ जो शक्तियाँ जिसको हम सांप्रदायिक शक्तियाँ कहती है वो शक्तियाँ फिर से आगे बढ़ रही है, इसका क्या उपाय है? हेलो चेक, देखिए आप भी बहुत जल्दबाजी में एक नंबर बनाने का ही काम कर रहे हैं। किसी को जीतने दीजिए ना, जनता को किसी को वोट देने दीजिए। वोट देना और चुनाव में जीत जाना सारे सवालों का अंत नहीं होता है। सवालों का सिलसिला किसी के जीतने के बाद भी, किसी के हार जाने के बाद भी बनाए रखिए। क्या होता है, हार्ड फैक्ट का सामना करने में आप खुद भी देखेंगे और मुझे भी होता है, आपको भी होता होगा, बहुत तकलीफ होती है, सबको होती है। जो पावर में होता है उसको बहुत ज़्यादा होती है, वो पागल हो जाता है, उसको लगता है कि सवाल ही पूछ के मेरी कुर्सी ना ले जाए वो। तो आप पूछने का सिलसिला रखिए, बच्चों को थोड़ा आप उससे जोड़िए, उन सवालों से सिखाइए। चेक कीजिए सर कि वो व्हाट्सएप में क्या कर रहे हैं, फेसबुक में क्या कर रहे हैं, चेक कीजिए। वरना नेहरू का इतिहास तो बदल जाएगा, उनका तो जो बदलना था वो बदल गया, वो बना के गए दुनिया से। नेहरू के इतिहास बदलने के नाम पे जो जहर फैला रहे हैं उससे आपके खानदान का इतिहास खराब हो जाएगा, ये मैं बता रहा हूँ। एनी अदर क्वेश्चन? वो मानव बम में बदल जाएगा, इतनी नफरत करने लगेगा एक धर्म को लेके, इतना जहर भर लेगा, कहीं भी फट जाएगा वो, और मरेगा वो खुद। उसका कोई जवाबदेही नहीं होगी, किसी नेता पे उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं आएगी, ना किसी राजनीतिक दल पे उसका कोई जवाबदेही आने वाला। जी सर, एक से पूछ लीजिए। सर दिस इज सोमनाथ, वी आर बिग फैंस ऑफ योर्स। आपको क्या लगता है इस कलयुग में अभी बहुत गिरना बाकी है, एंड देन देयर विल बी सम रे ऑफ होप या उम्मीद, या हम दूसरे तरफ से उठ भी रहे हैं? ऐसी बात नहीं है। तो कहाँ मतलब गिर रहा है जरूर, माध्यमों पर। देखिए हमारी आपकी आदमी होने की कुछ फितरत पर भी तो भरोसा रखेंगे ना, हम आदमी नहीं रहेंगे क्या? नहीं रहना चाहते? आपका बच्चा होगा, जब आप उसे गोद में उठाएंगे तो क्या आप आदमी की तरह महसूस नहीं करेंगे? करेंगे ना, उस पर भरोसा रखिए। लेकिन निगाह रखिए, क्योंकि इससे नुकसान हो जाएगा। बच्चे नहीं हैंडल कर पा रहे, स्कूल से लौटते हैं बच्चे, मैं उनसे बात करता हूँ तो यही कहते हैं कि हमारे दोस्तों ने कहा तुम मुसलमान हो, तुम्हारे यहाँ बिरयानी बनती है। क्या है ये, यही चलेगा क्या? और फिर ऊपर से कहेंगे हम राष्ट्रवादी हैं, हम ये हैं, तो वो भी तो नहीं चलेगा ना। तो राष्ट्रवादी क्या, एक दूसरे से पहले प्यार तो कर लो यार। इसकी बात, मोहब्बत की बात कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। किसी लगता है कि वो करेंगे तो मेरा कहीं वोट ना खराब हो जाए, जिसको करना चाहिए वो भी इससे डरा हुआ कि मेरा वोट खराब हो जाएगा। क्या ये सवाल या चिंताएं से वोट तक ही सीमित हैं? नहीं होनी चाहिए ना। आप देखो छोटे छोटे शहरों में, अभी आप देखना बड़े शहरों के पब्लिक स्कूल में इस तरह की घटनाएं होने वाली है, क्योंकि एक सिटीजन को लगेगा, एक हिस्से को, कि उसका एंटाइटलमेंट नहीं है इस कंट्री में, और एक को लगेगा कि उसका एक्स्ट्रा एंटाइटलमेंट है इस देश में पैदा होने के कारण, और वो कानून और संविधान से ऊपर है, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। जिस दिन ये भाव उसमें आ जाएगा वो मार देगा अपने दोस्त को, और उसको जस्टिफाई करने के लिए टीवी में दो प्रवक्ता आएंगे, कहेंगे मारने वाला हिंदू, मरने वाला मुसलमान, मरने वाला हिंदू, मारने वाला मुसलमान। आप लिस्टिंग तो कीजिए ना कि टीवी पे कितनी डिबेट हुई है 3 साल में जिसका हिंदू मुस्लिम डिबेट से रिलेशन। फैक्ट्री में बदल गए हैं बॉस, हम लोग को फैक्ट्री खोल दिया है 4 चैनलों के जरिए, और लगातार वो जहर में बदल रहा है, और कोई मुद्दा ही नहीं है क्या इस देश में? कभी तलाक जाता है, कभी रानी पद्मावती आ जाती है, अंत ही नहीं हो रहा है इसका। तो हमको तो अगर आप अलर्ट नहीं करेंगे, जा के इसके खिलाफ नहीं बोलेंगे, फिर से बोलने का वक्त आ गया है। आप नहीं बोलेंगे, बच्चों को सेंसिटाइज नहीं करेंगे, मेरा मुझे डर है कि क्या आप बचे हुए हैं या हम बच जाएंगे उससे। नहीं सर, हाय सर,
सर वैसे ज़्यादातर तो सहमति है आपसे जो आप बोल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जो एड्रेस नहीं हो पा रही हैं, जैसे कि ये करनी सेना है या जितने भी ये कम्युनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ये विजिलांतेज़म में आ जाते हैं, आप अगर इनके लीडर्स देखें तो ज़्यादातर आर्मी के रिटायर्ड मेजर जनरल हैं, जैसे करनी सेना के मेजर जनरल थे जो जिन्होंने, और दूसरे फिर अभी ये जो मेजर जनरल जीडी बख्शी है, ही इज़ एसोसिएटेड विद आरएसएस, और जो कर्नल पुरोहित का हमने देखा था अभिनव भारत। तो अब क्या होता है कि हम आर्मी के बहुत बड़ी पोस्ट पे हैं तो हम लोग बोलते हैं नहीं यार आर्मी तो बड़ा सेक्रेट इंस्टीट्यूशन है, क्यों उसको क्रिटिसाइज़ करें। तो ज़्यादातर मैंने उनका क्रिटिसिज्म देखा नहीं है। एक और चीज़ सर, और यही जो उनके फॉलोअर्स हैं जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है वो भी बोलते हैं यार ये तो आर्मी का बंदा है बहुत बड़ी पोस्ट पर, तो ये बोल रहा होगा तो सही बोल रहा होगा, तो वो चीज़ हम एड्रेस नहीं हो पाती है मुझे ऐसा लगता है। आप बताइए। पहले तो ये सेना वेना तो होना नहीं चाहिए, वो अपना कोई और नाम रख लें, लेकिन हाँ ये दौर हुआ है। देखिए क्या हो रहा है कि सेना के लोग रिटायरमेंट के बाद कहीं जुड़ जाएं उसे कोई समस्या नहीं है, लेकिन हो ये रहा है कि आप सेना उनके जो पूरे जीवन का योगदान रहता है उसके ज़रिए इन कबाड़ विचारधाराओं को आप सपोर्ट करने लगे। तो हमें ये फ़र्क करना पड़ेगा कि कोई सेना का है तो क्या कानून से ऊपर है, क्या लोकतंत्र और समाज की बाकी मर्यादाओं से ऊपर है कि इसलिए कि वो सेना में है? नहीं है ना, वो हमारा हिस्सा है। अगर वो सेना भी तो हमारा वैल्यू करती है ना, तभी तो हमारे लिए है वो, और तभी तो हम उसके लिए हैं, ये तो म्यूचुअल है। अभी जो ये विवाद हुआ तो उसमें जो हमारे सेनाध्यक्ष थे, पूर्व सेनाध्यक्ष दीपक कपूर, उनकी निष्ठा पे भी लोगों ने शक कर दिया। तो ये खेल होगा, ये अब राष्ट्रवाद के पास कोई सामान बचा नहीं है, वो एक फेल आइडिया है। उस फेल आइडिया को बीच बीच में वो कभी उसमें उम्मीदें जग जाती हैं, फिर फेल हो जाता है, फिर लोग कहते नहीं हमें ग्लोबल होना है, फिर करना है लोकल होना है। तो 200-250 साल का इतिहास है उस राष्ट्रवाद का, उससे ज्यादा का क्या इतिहास आप बता दीजिए, आप खोजिए, जाके खोज के बताइए, कोई स्वतंत्र शब्द हो तो फिर बताइए, वो तो खोज के ले आएंगे कहाँ शब्द लिखा हुआ है, लेकिन राष्ट्र को जिस अर्थों में हम देख रहे हैं वो तो नहीं था ना, दो ढाई सौ साल का तो इतिहास है ना। तो सेना का इस्तेमाल हो रहा है, अब वो इस्तेमाल इस हद तक चला आया है कि हम दीपक कपूर को भी कह सकते हैं कि आप गद्दार हैं और आप भारत के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं रात को, वो भी दिल्ली में, वो भी SPG वाले गए हैं, एक रिटायर्ड प्राइम मिनिस्टर गए हैं, एक्स प्राइम मिनिस्टर, तो SPG के साथ ही जाते हैं, तो ये लोग सब साजिश कर रहे हैं, ठीक तो नहीं है। तो हमें सेना को अपने बीच में बहुत सम्मान के साथ लेकिन बहुत तार्किकता के साथ एक्सेप्ट करना है। उनको भी कोई अधिकार नहीं है कि वो कुछ भी बोल सकते हैं या उनको कुछ भी करने का अधिकार नहीं है। हर कोई अपने कर्तव्य और जिम्मेदारी, एक तो जो सरकारी जिम्मेदारी है, संवैधानिक जिम्मेदारी, और एक जो लोकतांत्रिक जिम्मेदारी है, उससे बंधा हुआ है। आपको उसकी मर्यादा का ख्याल रखना पड़ेगा, चाहे आप सर्विंग जनरल हैं चाहे आप रिटायर्ड जनरल। लेकिन TV वालों के पास, चूंकि मान्यता प्राप्त लोग ऐसे नहीं थे, कोई ढंग का आदमी तो बोल नहीं सकता था, तो ऐसे लोगों को लाया गया, तो उनकी पहचान में चूंकि उनके सेना के अनुभवों को उभारा गया, और फिर वो एक सामान्य जनता को ये बताया गया कि ये हमारे राष्ट्र के प्रतिनिधि हैं जो ये बात कह रहे हैं। तो हमें इसको समझना है, बताना भी है, खुद को भी ये कहना है कि उनकी किसी बात का विरोध करना सेना का विरोध करना नहीं है, उनके सेना में बिताए गए समय का या अनुभव का या उपलब्धियों का विरोध करना नहीं, इतनी सी तो बात हो सकती है ना। क्या किसी फिल्म स्टार को ये छूट है कि कुछ भी कह देगा चल जाएगा? जब उसको छूट नहीं है, प्रधानमंत्री को छूट नहीं है, तो फिर एक सेनाधिकारी को क्यों छूट मिलनी चाहिए? किस लिए? क्या सेना के लोगों ने दावा किया? नहीं। वहाँ भी लोग इस लोकतंत्र के वैल्यू को हमसे कहीं ज़्यादा समझते हैं। बहुत सी ऐसी खबरें आती रहती हैं लेकिन वो लोग भी समझते हैं, तो उनका हमारी राजनीति इस्तेमाल कर रही है मान्यता देने के लिए कि उसमें राष्ट्रवाद में देश प्रेम घोलो तो एक टैंक लगाओ, यूनिवर्सिटी में टैंक लगाने की मांग आप एक रिटायर्ड जनरल से कराओ, ये सब कराओ, क्लास में टीचर मत रखो लेकिन टैंक रख दो, पढ़ो फिर टैंक से, फिर फीस देना क्या, फिर आप ऑर्डर करके एक टैंक अपने घर में रख लो, काहे को चल के जाओगे यूनिवर्सिटी? फिर हर मोहल्ले में एक टैंक होना चाहिए, यूनिवर्सिटी तोड़ दीजिए। फिर जो भी कर रहा है वो तो देश के लिए ही कर रहा है ना, थोड़ा तो रैशनैलिटी को आप ले आइए, थोड़ा ये जो मीडिया टेलीविजन जो है ना इससे बचाइए सोसाइटी को। ये माचिस की तिली हर रात को जलाते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, हर रात चिंगारी बांट रहे हैं ये लोग, ये पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं।
जलेंगे तो जो जो भी दर्शक हैं उसके, उनको उसका खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा। एंकर को कोई रिस्क नहीं है, वो सेट हो चुका है लाइफ में। सर, आई अप्लॉड यू फॉर द ब्रिलियंट सेंस ऑफ सैटायर दैट यू यूज्ड, बट फ्यू कपल ऑफ पॉइंट्स वेयर आई डिसएग्री। वन थिंग इज दैट युग इज, आई मीन, इज नॉट समथिंग दैट एग्जिस्ट राइट नाउ, इट हैज एग्जिस्टेड ओवर द पास्ट एज वेल, बिकॉज वी हैव सीन द डिजास्टर ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी और द इनएफिशियंसी ऑफ कोल ब्लॉक एलोकेशन। इन एडिशन टू दैट वी ऑल्सो फील दैट व्हेन इट कम्स टू आधार, इट इज नॉट जस्ट, when it comes to Aadhaar, it is not just a number, it is a method of tracking, and I think it will do away with the inefficiency of our supply chain that existed. Firstly, but my question right now is that, as you rightly pointed out, media is extremely biased and it will always harp upon the number of points where it will be able to feed the public. The public is interested in certain judgments. There, right now, there is less of facts and more of judgment that we rely upon. How do we convert it into more of facts, less of judgment, and forming our own opinion? That's my question. मैंने जो कहा है कंट्रोल सिस्टम की जो बात है, आप देखिएगा कि ये हाल के 10-15 साल के पूरी दुनिया में जो कंट्रोल का प्रोसेस है, सीसीटीवी और ये जो आधार नंबर है या जो भी आइडेंटिटी नंबर है, उसके आने के बाद से ज़्यादा बढ़ा है। अपने ही लोगों पे आप शक कहाँ तक करेंगे, आप कहाँ तक करेंगे? आपके पैदा होने से नागरिकता मिल जाती थी, संविधान में तो कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जब तक आपके पास नंबर नहीं होगा आप नागरिक नहीं होंगे। आपको सरकार के संसाधनों पर आपका हक नहीं होगा, इनका हवाओं पर आपका अधिकार नहीं होगा, समंदर पर आपका अधिकार नहीं होगा। एक सब्सिडी बांटने की बात हो रही है, जैसे लग रहा है कि दुनिया में कहीं पहले सब्सिडी नहीं बटी थी। बता नहीं रहे हैं कि उससे पहले कितना ज़्यादा लोगों को दे रहे हैं, केवल यही बता रहे हैं कि पहले से पैसा ज़्यादा पहुँच रहा है। आप बताओ ना, लोगों को मिल कहाँ रहा है, वो तो नहीं बता रहे। क्या करना चाहिए? देखिए, ये बहुत मुश्किल काम है। कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं, कुछ लोगों ने जो फैक्ट चेकिंग का काम शुरू किया है, पर वो मास मीडिया में नहीं बदले हैं। अभी भी जो ज़्यादातर दो दर्शक हैं वो इन्हीं अखबार और टीवी के दायरे में हैं। इनके प्रति आपको दो फैसला करना पड़ेगा। आप राजनीतिक फैसला जो मर्जी करें वो ठीक है, वो हमारे समाज के ही लोग हैं ना। आप वो गलत करेंगे तो आप, हो सकता है पाँचवें साल में आप उनको सज़ा दे देंगे। इनको सज़ा देने का आपके पास कोई प्रावधान नहीं है, कुछ भी प्रावधान नहीं है। तो आप जो है वो टीवी को लेकर जो पॉलिटिकल पार्टी के प्रति टीवी के जरिए जो लॉयल्टी पैदा कर रहे हैं, मत कीजिए आप उसको। जो वो कह रहा है, कम से कम आंख बंद करके अब आप ये कह सकते हैं ये यकीन करने लायक नहीं, मत कीजिए। कुछ प्रोसेस आपको भी देखिए, लोकतंत्र में हम समझते हैं कि सिटीजन होना बड़ा फोकट का काम है। दरअसल मुझे भी यही लगता था, पर अब मुझे समझ में आता है कि एक अच्छा सिटीजन होना, आईआईटी के लिए आप जितनी तैयारी करते हैं उससे कहीं ज़्यादा तैयारी करनी पड़ती है। बहुत सारी चीज़ों के लिए आपको खुद मेहनत करना पड़ता है। आप सिटीजन बाय डिफॉल्ट नहीं होते हैं डेमोक्रेसी में, बहुत मेहनत करनी पड़ती है सर। अपने विकल्पों का, चॉइसेस का बहुत तरीके से इस्तेमाल करना पड़ता है, वो आपको करना पड़ेगा, बताया जाएगा। हम सब एक डेमोक्रेटिक सेटअप में हैं, लेकिन क्या हम डेमोक्रेटिक होने के जो कर्तव्य हैं वो पूरा करते हैं? शायद नहीं। हम जानने की जो प्रक्रिया है वो हमारी कैसी, आप खुद से भी तो चेक कीजिए। क्यों आसान है आपको इमोशंस पे ज़्यादा बहका के ले जाना, और क्यों मुश्किल है फैक्ट्स को रख के डिबेट करना और चीज़ों को रखना और पर्सपेक्टिव बताना? क्योंकि उसको पता है कि आप मेहनत नहीं करते हैं, वो जानता है। नेता से बड़ा स्मार्ट आदमी कोई नहीं होता, तभी तो इतने बड़े लेवल पे इंस्टीट्यूशन को मैनेज करता है, इतने बड़े लेवल पे लोगों को, क्राउड को मैनेज करता है। आप खुद बता दीजिए, कोई आइडियोलॉजी की बात नहीं है, क्या ये जो टीवी चल रहा है देखने लायक है क्या? खुद बता दीजिए ना, आपकी सेंसिबिलिटी जो आपके माँ बाप ने जिस तरह के माहौल में पैदा किया है, आप चाहेंगे इस तरह से? आप यही सिखाया जाता है कि दफ्तर में, अब तो ये है कि आपकी जो फीमेल कॉलीग है अगर आप चीख के बात करेंगे तो वो सेक्सुअल हैरेसमेंट है, वो पूरे देश के साथ हैरेसमेंट कर रहा है, खुलेआम रोज चीख रहा है, वो रोज चीख रहा है, और कोई फीमेल प्रवक्ता है उसके उस पर भी चीख रहा है, डेली सेक्सुअल हैरेसमेंट कर रहा है वो। तो फिर हम अपने बच्चों को ना पढ़ाएं फिर ये बात? बात करने का लहजा क्या हो, कायदा क्या हो, मत पढ़ाइए फिर।
उससे लोग इंस्पायर हो रहे हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट और पावरफुल मीडियम है। इसके खतरे को आप समझिए कि आपके लोकतंत्र को आपने ऐसे थोड़ी हासिल किया था, 100 साल लड़ा है आपने, कितने लोगों ने जाके कुर्बानी दी है तो ये लोकतंत्र मिला। फोकट में मिला है क्या? किसी एक आदमी के सपने के लिए मिला है क्या कि अरबों लोगों के सपने के लिए ये लोकतंत्र मिला है? आप बताइए किसके लिए सपना मिला है? अरबों लोगों के लिए मिला है ना। उस सपने में आप भी पार्टिसिपेंट हैं और आप भी उसके हकदार हैं। सिर्फ वो नेता नहीं जो खुद को गरीब करने के लिए 30 करोड़ की रैली करता है, आप भी हैं। तो ये टीवी वाले जो आपको ये एहसास दिला रहे हैं, जो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कहीं कोई सूचना नहीं, पूरी ग्राउंड रिपोर्टिंग बंद हो गई है टेलीविजन में। तो जब हम जानेंगे नहीं गांव के बारे में, शहरों के बारे में, तो हम बोल क्या रहे हैं? तो जब हम कुछ नहीं जानेंगे तो हम खाली बर्तन की तरह तो बजेंगे ना। ये भी तो हमारे बाप दादा पहले लिख चुके हैं, हमारे बोलने से पहले हम बज रहे हैं, सिर्फ शोर कर रहे हैं। स्क्रीन पे बहुत तरह के नंबर आपको आजकल दिखते हैं और ये वो नंबर है जो आपके सामने, आपकी आंखों के सामने फेक रियलिटी क्रिएट कर रहा है। चाहे वो GDP के नज़रिए से आता हो, चाहे वो WPI के रूप में आता हो, किसी भी रूप में आता हो, वो आपके साथ छल कर रहा है। थैंक यू सर। खत्म नहीं हुआ, लास्ट चल। नमस्कार, मैं विनीत कुमार। सिस्टम का सितम में जो आप दिखा रहे हो कि एक नागरिक सिस्टम के सामने कितना दबा हुआ है, कितना कुचला हुआ है, उनको अपना फंडामेंटल राइट्स भी नहीं मिल रहा। मैं अपने आसपास देखता हूँ मुंबई में, लोगों को इस में इंटरेस्ट भी नहीं है। मुंबई यूनिवर्सिटी के खिलाफ हम लड़ रहे थे तो स्टूडेंट्स सामने आने में भी डर रहे थे कि हम अपने हक के लिए लड़े। तो अब आपके हिसाब से कैसे हम नागरिक को सशक्त बनाएं? क्योंकि आपके घरों में भी यही सिखाया गया है, मत जाना बाहर, रैली हो रही है। क्या इसके लिए कोई संस्था होनी चाहिए, कोई माध्यम होना चाहिए? नहीं, आप अब कोई संस्था में कहाँ एडमिशन लोगे यार, इतना ट्रैफिक जाम में कोई समय बचाया है कहीं जाने के लिए? कोई समय किस शहर में, कोई तो समय है नहीं। आप खुद से प्रयास कीजिए, जाइए ना 2-4 प्रोटेस्ट में जो आपके समाज से अलग है, जो आपके तबके से अलग है। किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप कभी खड़ा होकर गए? आप कभी गए हैं प्रदर्शन में किसी? खुद से पूछिए किस बात, किस हक से आप दावा करते हैं कि आप डेमोक्रेसी में? आप अपना चार्ट बना के बताइए कि आपने पिछले 20 साल में कितने पूछा गया है कभी आपसे? पूछते नहीं है। भारत एक महान लोकतंत्र है, सारे लोग घर में बैठे रहे, लोकतंत्र महान हो जाएगा तो ऐसा नहीं होगा। क्या आप किसी प्रदर्शन में गए हैं जी? इस सवाल का पूछे जगह बहुत लोग जवाब नहीं दे पाएगा। तो ये और जो लोग भी प्रदर्शन में नहीं गया है उसने कभी भी डेमोक्रेटिक होने के लिए मामूली वर्जिश तक नहीं की। वोट डालना लोकतांत्रिक होने की प्रक्रिया का एक छोटा सा हिस्सा है, बहुत छोटा सा और मामूली सा हिस्सा है। चूंकि पता है कि आप यही कर सकते हैं, इससे ज्यादा करने के लिए आपको ट्रेन नहीं किया गया, तो उसका हम लोग जश्न मनाते हैं। 62% वोट क्या है भाई, 62% 64% सब चीज को हम नंबर में सेलिब्रेट करने लगते हैं। तो जाइए, अगर वो आपके इसमें लिए नहीं आए, इसका वजह यही था कि ना तो उनके लिए कभी कोई आया, ना वो कभी उनके लिए गए। तो हम सब एक इस तरह के लोकतांत्रिक नागरिक में बदल गए हैं, जहां इसीलिए खतरा है कि ये जो नंबर आएगा ना वो आपको भेड़ में बदल देगा। क्या इसके लिए कोई माध्यम हो सकता है? मालूम नहीं, वो हम ही लोग हैं, कुछ दिनों के बाद गायब कर दिए जाएंगे इस मीडियम से। One question. जो क्वेश्चन करता है वो पत्रकार जर्नलिज्म में ज्यादा दिन नहीं टिका रहता है। हाँ, तो इसी बार के लिए देख रहे हैं, अगले बार हो सकता है ना भी आए हम। सच्चाई है जी मैम। सर, वी विल बी टेकिंग जस्ट टू मोर क्वेश्चंस लास्ट टू। यस सर, थैंक यू सो मच। हेलो रविश जी, यू रियली स्पीक वेरी वेल। आई थिंक वन ऑफ द फेवरेट स्पीकर्स यू आर इन द टेलीविजन एंड द जर्नलिज्म। मेरा क्वेश्चन है कि अगर हम ये 2-3 साल जो हम मान रहे हैं कि कलयुग है उसको छोड़ दें और हम पीछे जाएं, तो क्या वो युग सतयुग था? क्या हम वापस जाकर उस युग में कह सकते हैं कि हमारी कंट्री में सब्सिडीज़ की कोई इश्यूज़ नहीं थे, आधार से रिलेटेड कोई इश्यूज़ नहीं थे, करप्शन से रिलेटेड कोई इश्यूज़ नहीं थे? एक दूसरा,
माना कि टेलीविजन पे वाकई ही आप जो कह रहे हैं वो बहुत सही है कि हर वक्त बहस, क्या सुने क्या ना सुने, क्या माने क्या ना माने, लेकिन क्यों ना हम लोगों की बुद्धि पे, क्षमता पे ये छोड़ दें. लोग खुद डिसाइड करेंगे कि ये वाकई कलयुग है तो ये चलता रहना चाहिए, ये कलयुग नहीं है. बिकॉज ग्राउंड पे आई थिंक सबको ये एहसास होगा कभी ना कभी कि क्या चल रहा है हमारे साथ और ये चलना चाहिए या बंद होना चाहिए. मुझे लगता है कि ठीक से कम्युनिकेट नहीं हुआ. मैंने ये नहीं कहा कि ये 3 साल कलयुग का है. मैं ये कह रहा हूँ कि कलयुग बहुत खूबसूरत चीज़ है, क्योंकि आपको उसमें भगवान राजा नहीं है ना, या राजा राजा नहीं है. आप भी राजा हो सकती है, मैं भी राजा हो सकता हूँ, मैं भी कुछ हो सकता हूँ, कोई दूसरा भी कुछ हो सकता है. इस सिस्टम को इस दौरान वो ख़त्म किया जा रहा है, जो कलयुग की ब्यूटी है. मैं प्रो कलयुग हूँ, मैं एंटी कलयुग नहीं हूँ. क्योंकि जो कबीर हैं, जो मीरा हैं, जो सूरदास हैं, जो तुलसीदास जी हैं, ये सब प्रतिभाएं हमको कहाँ मिलती? ज़रूरत ही नहीं होती अगर ये सतयुग होता तो. तो ये लोगों के अधिकार की जो बातें हैं, ज़रूर पहले भी हुई हैं. क्या पहले हुई हैं इसलिए आज जो हो रहा है उसको सही किया जाएगा? नहीं ना. तो जो पहले नहीं, पहले हुई हैं, तर्क ये होना चाहिए कि अब क्यों हो रही हैं. या ये होगा कि ये जो आज हो रहा है वो तो पहले भी हो रहा था, तो फिर हम प्रोग्रेस कहाँ कर रहे हैं अपने डिस्कोर्स में या अपने सवाल में? मेरा ये कहना कि कलयुग का होना हमारे फायदे की चीज़ है, जहाँ हम लोग बने रहें. अगर लोग को अगर आप नंबर में बदल के ख़त्म कीजिएगा तो ये एंटी कलयुग बात हो जाएगी, फिर हमारे हाथ से सब कुछ चला जाएगा. तभी तो इस धरती में हम जीने के लिए आए हैं ना. मृत्यु लोग क्यों कहा जाता है? इट्स द बेस्ट टाइम. भगवान लोग क्यों रूप धर के आते हैं यहाँ पे? उनको भी पता है कि मौज मस्ती यही है. तभी तो हमारे बीच में आते हैं, इतना करिश्मा करते हैं, इतनी सारी किस्से क्यों है? ओके. हाँ जी सर, गुड इवनिंग. सबसे पहले तो मुझे अचरज है कि इस टाइम्स के मंच पे आपको बोलने का अवसर दे दिया. ओके, नाउ माय क्वेश्चन. We all know the menace of the screws of fake news these days, and mostly the right wing is guilty of manufacturing news. But what about the left wing? Are they always honest in their reporting and their perspective? Just one example, in the summer of this year, there was an agitation by farmers in which some bullets were fired and 5 farmers passed away. Now, no channel, or I would say the left-leaning channels, reported that the police were compelled to fire bullets because the farmers had turned violent. So what about this? So isn't it? वैसे ये left leaning channel कौन सा है? सर आपको पता है सर, I won't name. ये मानता हूँ कि अगर कोई है तो ये मैं नहीं कहता कि उनकी सारी रिपोर्टिंग सही है. जो गलत है वो दोनों तरफ गलत है. और किसानों पे जब गोली चली तो आप एक बार आर्काइव में जाके देखिए कि कवर कौन कर रहा था, तो आपको जवाब मिल जाएगा. दरअसल अगर आप देखेंगे टीवी के हिसाब से तो लगभग आप आराम से कह सकते हैं कि कोई कवर नहीं कर रहा था. बहुत छोटी छोटी खबरें की तौर पर, खबरों की तरह आई हैं, और वहाँ पे वो हिस्सा कवर हुआ जब नेता गया है, जैसे राहुल गांधी का दौरा हो गया या राहुल गांधी का दौरा नहीं होगा, वो वाला हिस्सा टीवी में ज़्यादा कवर हुआ. किसानों की ज़िंदगी वाला हिस्सा टीवी में कवर नहीं हुआ. तो ये जो टीवी है ना, ये एक अजीब तरह से कहता आपका है, होता किसी का नहीं है. आपको रूरल रियलिटी से वो काट के रखा है, तो कहीं रिपोर्टिंग तो नहीं हुई. मैंने तो नहीं देखी किसी और चैनल पे, या सुना नहीं कि कोई उतनी प्रमुखता से, चाहे राइट विंग हो चाहे लेफ्ट विंग हो, किसी ने किया नहीं. वैसे अखबार के कुछ पत्रकार ज़रूर कर रहे थे, वहाँ के भी कर रहे थे और दिल्ली के भी अखबार वाले कर रहे थे.